प्यारे बच्चों, ये दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है जो प्रॉपर्टीज के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन शॉर्ट आंसर्स को मैंने यहां पर समझाया है। ये शॉर्ट आंसर है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? एक ये है, दूसरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई? दोनों शॉर्ट आंसरों का आंसर मैं यहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले है पहला पार्ट, क्वेश्चन है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरी है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, हमने दिखाया ये इंटरसेक्ट करते हुए यहां पर, ठीक है बेटा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दो। इन्होंने हमने क्या दिखाया बेटा, ये इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर, पी पर। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पर, हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। ये लाइन है पहली, ये वाली लाइन देख लीजिए, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिया ऐसे, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस कर्व पर, फर्स्ट कर्व पर, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहां की तरफ आ गई, ठीक है बेटा। अब सेकंड कर्व का भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेम है, इस पर भी अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो इधर की तरफ आएगा ईपी। देखो बेटा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कितने टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, दो, दो करो है, लेकिन एक ही पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दो, लेकिन एक पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन आनी चाहिए हमेशा, एक, हमें कितनी आ गई, दो, एक यहां से एक यहां से, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक पॉइंट पर हमेशा एक ही डायरेक्शन रहती है, यहां पर कितनी डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है बेटा। रीजन देखो कैसे, क्या मैंने बताया, मैंने बताया अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट पी पर, सपोज इस पॉइंट पी पर हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, दो, एक इस कर्व पर, दूसरा इस कर्व पर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका मतलब है पॉइंट पी पर कितनी डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दो, लेकिन एक पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, एक ही, यहां पर कितनी बनी, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बेटा। अब कैसे लिखोगे वो भी मैं बताता हूं, देखो बेटा कैसे लिखोगे आप लोग पेपर में, इफ टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट पी, अगेन इफ टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट पी, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, एक टेंजेंट यहां से, एक टेंजेंट यहां से, वी कैन ड्रॉ हाउ मेनी टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, दीज टू टेंजेंट्स, दिस इज फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज सेकेंड टेंजेंट, दीज टू टेंजेंट्स विल गिव द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बट एट द सेम पॉइंट, दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दे रहे हैं मगर एक ही पॉइंट पर, विच इज नॉट पॉसिबल, एट वन पॉइंट देयर शुड बी ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन इस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन बन गई, दो, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर से बता रहा हूं,
If two electric field, if two electric lines of force are intersecting each other at point P, then at the point of intersection, we can draw two tangents. These two tangents will give the two directions of electric field intensity, but at the same point, which is not possible. Hence, no two electric lines of force can intersect each other. Samajh gaye? Now, B part. Electric field line does not have sudden break. Why? Uska matlab kya hua? Wo samajh lijiye. B part dekh lijiye. Agar beta ye source charge hai. This is source charge. ये electric field line कहां तक जाती है? ये जा सकती है infinity तक. कहां तक जा सकती है? Infinity तक. ठीक है बेटा, दो तरीकों से आप लोगों को मैं ये समझा दूंगा. Electric field line does not have sudden breaks. Why? क्वेश्चन है इसमें, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इधर से भी है, इधर से भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, इन्फिनिटी तक जा सकती. क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ब्रेक नहीं होती है, कट नहीं होता है. रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, ऐसे ब्रेक नहीं होंगे. रीजन क्या है? देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने आप लोगों को बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, ये कंटिन्यूअसली अप टू कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक. इसमें सडन ब्रेक्स नहीं होंगे. अगर आप लोगों ने अब ब्रेक दिखाया, अगर आप लोगों ने ब्रेक दिखाया तो मान लीजिए ये पॉइंट पी पर ब्रेक है, पॉइंट पी पर ब्रेक है. इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? यहां पर तो स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की? वो है जीरो. क्यों है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? यहां पर जीरो. क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने यहां पर ब्रेक दिखाई. मगर यह तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन आप लोगों ने क्या दिखाया यहां पर? सडन ब्रेक. जहां ब्रेक है तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो. इसका मतलब हो गया एक रीजन में जहां पर एक चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड विच में एक्सटेंड अप टू इनफिनिटी, वहां पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में सडन ब्रेक नहीं दिखा सकते हैं. क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, वो तो जीरो बनेगी. अगर यहां पर जीरो है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहां पर जीरो है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसमें सडन ब्रेक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप लोगों ने ब्रेक दिखाई तो इस वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? जीरो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस रीजन में. इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह है, लेकिन जब आप लोगों ने ब्रेक दिखाई वहां पर तो जीरो बनेगी. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ब्रेक, सडन ब्रेक नहीं हो सकती है बेटा. देखो किस तरीके से बताओगे? ऐसे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैव सडन ब्रेक, देन एट दैट ब्रेक द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल. Thus, electric field line cannot have sudden break. ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये एक टाइप का आंसर है. दूसरा टाइप आंसर का मैं आप लोगों को बताता हूं. देखो ये भी है, मान लीजिए सोर्स चार्ज आपके पास नेगेटिव है, सोर्स चार्ज है, ठीक है बेटा. ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आ सकती है इसकी? शाबाश बेटा, इन्फिनिटी से. क्योंकि माइनस क्यों चार्ज है?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस अंदर की तरफ आ सकती है। ठीक है बेटा, आप देखो, अगर मैंने यहां पर टेस्ट चार्ज को ये रखा, ठीक है बेटा, इस टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज क्या करेगा? सोर्स चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ये वाले टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये जब अट्रैक्ट करेगा, ये आएगा इस पाथ पर चलते 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 इसकी तरफ, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा, ऐसे अट्रैक्ट कर रहा इधर की तरफ, ये चल के आएगा इधर की तरफ, खींच के लाएगा इसको सोर्स चार्ज, किसको? टेस्ट चार्ज। अब मान लीजिए यहां पर इसको ब्रेक है, ऐसे ब्रेक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या दी हमने यहां? ब्रेक। जब टेस्ट चार्ज चल के आ गया, चल के आ गया, चल के आ गया, पहुंच गया यहां पर क्यू नॉट, यहां पर चल के, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, इसका मतलब है इसको जंप करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिस पर यह चल के आएगा, तो इसका मतलब दिस टेस्ट चार्ज हैज टू जंप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्योंकि यहां पर ब्रेक रखी है आपने, जो कि टेस्ट चार्ज नहीं कर सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। टेस्ट चार्ज कभी जंप नहीं कर सकता है फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, क्योंकि इसको कंटिन्यूस फोर्स है, इसको हमेशा फोर्स मिलता रहता है। अगर आप लोगों ने यहां पर ब्रेक दी, इसका मतलब फोर्स यहां पर मिलता ही नहीं इसको, तो इसको कंटिन्यूसली यहां से फोर्स मिलता है खींचने के लिए। तो इसलिए अगर कहीं पर टेस्ट चार्ज यहां तक पहुंच भी गया, फिर तो इसको जंप करना पड़ेगा, फिर तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि टेस्ट चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जंप करके आए इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ब्रेक नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर ब्रेक होगी तो टेस्ट चार्ज को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जंप करना पड़ता है, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट हैव सडन ब्रेक। सडन ब्रेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कभी भी आप लोग ब्रेक नहीं देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को कंटिन्यूसली लाइन दिखानी है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगी तो टेस्ट चार्ज जो उस पाथ पर चल के आता है उस पर सडन ब्रेक आ जाएगी। सडन ब्रेक आने की वजह से टेस्ट चार्ज को जंप करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इधर आप लोगों को एब्सेंस ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स तो कंटिन्यूस इसको खींच रहा है, ये वाला चार्ज तो कंटिन्यूसली खींच रहा है, यहां पर तो एब्सेंस हो गया फोर्स का, यहां पर तो फोर्स ही नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कभी भी सडन ब्रेक नहीं होती है। ये जो सोर्स चार्ज है हमेशा कंटिन्यूस फोर्स लगाता है, ना कि ब्रेक होती है इस फोर्स में, याद रखा बेटा। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कभी भी सडन ब्रेक नहीं होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये दो शॉर्ट आंसर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तीन नंबर के क्वेश्चन में आते रहते हैं।